ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भिक्षु बुद्ध रतन जी और हम लोग हैं बुद्ध पार्क के अंदर और यहाँ पे ढेरों सारी पब्लिक आई है। बुद्ध रतन जी, भिक्षु जी से हम लोग छोटी सी बात पूछेंगे। एक बात बताइए भिक्षु जी कि आज जो बहुजन समाज के जो भिक्षु हैं या बुद्ध भिक्षु हैं वो रोडों पे नहीं जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, उसका क्या विशेष कारण है और उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो बताएं। जिन्होंने कि जैसा कि ये जो प्रश्न किया है, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो संदेश दिया था घर घर जा कर के दिया था, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संदेश अपने जीवन में ग्रहण किया वह भी बहुत बड़ी खोज करने के बाद और गहन चिंतन और मनन करने के बाद और ये अनुभव करने के बाद जाना कि ये धम्म वैज्ञानिक धम्म है, मानवीय धम्म है, मानव के जीवन के कल्याण का धम्म है और ये धम्म जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में दीक्षा लेने के बाद ये बात का संकल्प लिया था कि आज का जो भिक्षु संघ है वो एक विद्वान होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, धम्म का ज्ञान होना चाहिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले ही नहीं घर घर जा करके धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो भिक्षु धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं वो धम्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज वर्तमान की स्थिति में वैसे तो हमारे बीच में प्रशिक्षित भिक्षु ही नहीं है, अगर जो प्रशिक्षित भिक्षु हैं जिनको धम्म का ज्ञान है वो घर घर जा करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके धम्म का प्रचार करना चाहिए। मेरा ऐसा आप लोगों के प्रति जरूरी है। आज ये जो मेला लगा है यही एक संकल्प मेला है कि हमें यहाँ से एक संकल्प करके जाना चाहिए घर घर में धम्म के रास्ते का जीवन में पालन करते हुए आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान समय परिस्थितियों में आज जो समाज बाबा साहब ने जो सोचा था, जो समाज जो होना चाहिए था, आज विषम परिस्थितियों के कारण अनेक कारणों के कारण हमारे समाज के अंदर विघटन है। इस विघटन को अगर दूर कर सकता है तो भगवान बुद्ध का बताया हुआ रास्ता, भगवान बुद्ध का धम्म ही दूर कर सकता है। आज वर्तमान समय में आज धम्म की विशेष आवश्यकता है। जब धम्म की हमें विशेष आवश्यकता है तो हमारे भिक्षुओं को घर घर जा कर के धम्म के रास्ते पर चलने का काम करते रहना चाहिए।